यार डरते नहीं तुम लोग? क्यूट होने का भी पंगा ही है यार। किटी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हॉरर स्पेशल है, आज पता नहीं क्यों वीआईपी की और सुनील पाल की बड़ी कमी महसूस हो रही। अगर वो दोनों यहाँ पे होते तो किसी को भूत बनने की जरूरत नहीं थी। किटी साहब, आप क्यों डर रहे हैं भूत के नाम से? आप तो इतने दिनों से बैठे उनके साथ हैं, अब तक तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। खैर, 100 साल पहले यहाँ पे कॉमेडी सर्कस शो हुआ करता था। फर्क यह था कि वो इंसानों को लेकर शो बनाते थे और मैं सुदेश लहरी का पोता सिर्फ भूतों को लेकर कॉमेडी शो बनाऊंगा। पहले मैं देख ले मोमबत्ती, तू भी स्टैंड अप है, मैं भी स्टैंड अप हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तू मुझसे जलती है, मैं बिल्कुल नहीं जलता। तू क्या समझती है तू ही स्टेज पे आग लगा सकती है? मैं नहीं। शोम टच मी शोम शोम किस मी आत्मा राजो किसका बर्थडे है जी, किसका बर्थडे है? आज मेरे केक का बर्थडे है। इसीलिए मैंने इंसान को काट दिया। उसने बुलाया मुझे यहाँ। मैं सुदेश लहरी का पोता। कौन सुदेश लहरी? कौन सुदेश लहरी? जो कॉमेडी सर्कस में आता था, अरे जिनके सामने रोहित शेट्टी, अर्चना पूरन सिंह, शेखर जज बनते थे। वो शो तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ एक ही कॉमेडी शो देखा है जिसमें सुरेंद्र तबले वाला है। यार वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो डार्लिंग बहन, बात पता क्या है, मैं एक भूतों पे शो बना रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस, सिर्फ भूतों को लेकर। नहीं नहीं नहीं, वो तो एक शो में ग्लैमर भी तो होना चाहिए, एक आध चुड़ैल तो चलती है ना सर। आपकी किसके साथ जोड़ी बनाऊं? जोड़ी नहीं, मैं जज में आऊंगी। जज? जज वाली आप में क्या बात है भाई, है जज में आएगी? रोहित शेट्टी जैसी मेरी आवाज है और अर्चना जैसी हंसी है। कृष्णा और सुदेश, तुमने जो किया ना बहुत अच्छा। नहीं, वो तो ठीक है, पर शेखर जैसा क्या है? वो मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकती। ये ले लो। क्या मतलब? सर मैं मोमबत्ती वाला हूँ सर, कोई मोमबत्ती नहीं खरीदता। ओ यार, साला भूत बन के भी कोई नहीं लेता है। चलो यार मैं अपना काम करूँ, मंत्र मारते हैं। शोम शोम बियर बारम, शोम शोम सेक्सी लेडियों दा फ्लोरम, शोम शोम शक्ति 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 कपूरम। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। डुबी डुबी डब डब। अंकल भाग जाए बाहर जाके खेल, मैं भूत बुला रहा हूँ। अंकल मैं भूत ही हूँ, मैं कैश पर हूँ। देखो यहाँ भूत भी कैश पर है और हम सब चेक पर है। अंकल मेरा नाम कैश पर है और ना बहुत प्रॉब्लम है, मुझसे कोई डरता ही नहीं है। बेटे ऐसा होता है, कई भूतों के बच्चे भी ना नलायक निकलाते हैं। जाओ खेल जाके, मैं भूत बुला। ओ अंकल नलायक मत बोलना, नीचे तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे जा, मेरा दिमाग ना खा जा। दिमाग नहीं, मैं दिल के पकोड़े खाता हूँ। यार कैसे, तुम्हें मेरा दिल खाना ना, तो उसके पास जा, मेरा दिल उसके पास है।
कि मोमबत्ती जला के आप सब भूतों को क्यों बुला रहे हो? देखो बेटे, मैं एक कॉमेडी शो बना रहा हूँ सिर्फ भूतों को लेकर, कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस? मुझे कॉमेडी सर्कस में ले लो ना। अरे कॉमेडी सर्कस कोई बच्चों का खेल नहीं है, कॉमेडी। चल ठीक है यार, ऑडिशन कर लेते। कोई कॉमेडी डायलॉग सुना। ओके। तेरी माँ का रामू काका। ये क्या यार, रामू काका कौन है? तेरी माँ का है, तेरी माँ को पता होगा मुझसे। ये डायलॉग में कॉमेडी कहाँ है? कितनी तो कॉमेडी है इसमें। तेरी माँ का रामू काका के साथ चक्कर चल रहा है और तुझे पता भी नहीं है। ओ तेरा बकवास करते, मेरी माँ की बेइज्जती कर रहा है, आप तालियां बजा रहे हो। एक मिनट, पहले मम्मी को फोन कर लूं यार, माफी मांग लूं, नहीं तो मंत्र नहीं चलता। हेलो मम्मी। अच्छा रामू काका, हट हट यार, अपना काम करें, दुकानदारी खराब हो रही है, प्रोग्राम चलाना है। बड़ा भूत बुलाऊंगा कोई, अगर कोई बड़ा भूत है तो मेरे सामने शोम शोमिका राखिम बड़ा भूत। क्यों बुलाए मेरे को इधर? सर जी मैं तो वैसे ही आया था, मैं कैंडल कैंडल नाइट, वो कैंडल डिनर करने आया था, कैंडल ले आया था, वो डिनर घर पे रह गया सर। ये बता कौन है तू? यार ये क्या यार, मैंने हाथ माँ को बुलाया था, हाथ बाप आ गया यार ये। सर जी मैं सुदेश लहरी का पोता। सुदेश लहरी का पोता तू? हाँ जी। इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप समझ चुके, वो स्टेज पे कॉमेडी कर सकता था। एक बात बताऊं? हाँ जी। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। था नहीं, वो है, 130 साल का घर पे बैठा है। 130 साल का जिंदा है? हाँ, कहते जब तक मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी मैं नहीं मरूंगा। फिर तो तेरा दादा हमेशा अमर रहेगा। ये बता मेरे को काहे को बुलाया इधर? सर जी मैं ना एक शो बना रहा हूँ, कॉमेडी सर्कस। अच्छा। हाँ जी, तो आप तैयार हैं फिर? अरे खाक तैयार रहूंगा मैं कैसे तैयार रहूंगा, मेरे पीछे सब लोग तैयार होते हैं इधर, मैं किधर तैयार रहूंगा। एक बात कहूं, आप बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, लेकिन मेरा पार्टनर कौन रहेगा? अरे आप भूत है तो फिर आपका पार्टनर भी कोई भूत ही होगा। तो किसको दोगे? मैं ही भूत हूँ और कौन हूँ मैं जी। आप ये तो मेरे से डरते नहीं, आप तो कम से कम डरो। अरे यहाँ कोई पता नहीं चलता, आप जो दो बैठे हैं कि आप इनको इंसान समझ रहे हो? अरे ये तो हमारे भगवान है, नंबर ले लो।